नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आपको पता है कि हमने एक बहुत बड़ी सीरीज चालू की थी जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग स्किल, जहाँ पे आपको हमने सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर सिखा दिए हैं और मोस्टली राइटिंग स्किल भी हम मोस्टली कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ ही राइटिंग स्किल के जो टॉपिक्स बाकी हैं वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग ये है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं बल्कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आता है। जो भी 10th या 9th क्लास के बच्चे हैं यह वीडियो उनके लिए यूजफुल होगी, बिकॉज डायलॉग राइटिंग उन्हीं क्लास के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए नहीं आती बल्कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आती है। तो आज मैं आपको राइटिंग स्किल बता दूंगा जहाँ पे आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। बहुत इजी है, डायलॉग राइटिंग आप कर सकते हैं और डायलॉग राइटिंग के साथ में आपको आता है स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग भी मैं आपको कैसे करना वो भी बता दूंगा, बट स्पीच राइटिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको डायलॉग कर लेना है। डायलॉग में आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बने रहिए चैनल पे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो डायलॉग राइटिंग है यह क्वेश्चन नंबर 5B में आपको पूछेगा। 5A में आपका क्या आता है, राइटिंग स्किल में आपका लेटर आता है। दो लेटर होते हैं, लेटर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और लेटर कहाँ से पढ़ना है उसके लिए मैंने साइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। हमारी साइट पर जाइए, विजिट करिए और वहाँ पे ये सारे के सारे जो डायलॉग हैं ये इनका आंसर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो डायलॉग राइटिंग होता है क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, 5B में आता है। ओके, ये क्वेश्चन 5B में आता है जहाँ पे तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है आपका जंबल सेंटेंस। सेंटेंस कैसा दिया रहेगा, ऊपर नीचे दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना रहेगा, अरेंज करना रहेगा, प्रॉपर सही तरीके से लिखना होगा। और दूसरा हमारा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। जो डायलॉग दिया रहेगा उसको कंप्लीट, और ये सारे के सारे जो, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया रहेगा राइटिंग और डायलॉग ऑफ द मिनिमम 6 मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम। गेम के क्या इंपॉर्टेंस है, खेल के क्या महत्व है, इसके बारे में आपको 6 सेंटेंस लिखना है। मतलब तीन आपका कोई फ्रेंड बात करेगा और तीन कोई आप लिख सकते हो। ओके, टोटल 6 सेंटेंस होना चाहिए और ये ध्यान देना। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। ओके, अब आप बोलेंगे टेक्स्ट बुक में कहाँ दिया है, टेक्स्ट बुक में जो चिट चैट दिया है ना वहां पे ही सब कुछ दिया गया है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से लिए होते हैं। आप लोग देखिए, जो भी आपकी लेसन स्टार्ट होते हैं ना उसके पहले चिट चैट दिया होता है, चिट चैट पे आप जाके चेक करेंगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं। ओके, तो आप वहां से ही इसको स्टडी कर सकते हैं, बट उसको ज्यादा स्टडी करना है तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो साइट की लिंक दिया है वहां पे जाइए, वहां पे ऑलरेडी ढेर सारे आपको डायलॉग्स मिल जाएंगे, उसकी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है जहाँ पे पुट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर अ मीनिंगफुल डायलॉग। डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए, डायलॉग में मीनिंगफुल डायलॉग बनाने के लिए आप इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। जंबल सेंटेंस दिया है तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको कि कौन सा सेंटेंस कैसा है। पहला दिया है आई इंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी द मोस्ट, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक, आई लाइक टू रीड माय फ्री टाइम। ओके, तो देखिए यहाँ पे कोई पूछ रहा है किससे, तो पहला कोई पूछेगा क्या पूछेगा, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, तुम अपना लेजर टाइम कैसे स्पेंड करते हो। तो ये पहला, ये सेंटेंस आपको सबसे पहले लिखना है, मतलब सबसे पहले लिखना है। उसके बाद बोलेगा वो कि आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम, जब मैं फ्री रहता हूँ क्यों क्या करता हूँ, रीड करता हूँ। लेकिन फिर वो पूछेगा, सामने वाला पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी तरह की बुक पसंद है। तो ये आपके 3 में आ जाएगा और ये लास्ट वाला 4 में आ जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, पहले इस सेंटेंस को लिखना है, फिर उसके बाद इस सेंटेंस को लिखना है, उसके बाद इस सेंटेंस को, और लास्ट में ये वाला सेंटेंस। आया समझ में नहीं, आ गया आपको। और ये अगर आपका राइट होता है तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स आपको यहाँ पे फिक्स हो गया, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, उसी तरह दूसरा आता है हमारा कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट करने के लिए आता है, तो कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मन से लिखना होता है, जो भी लिखेंगे सब राइट, लेकिन सेंटेंस प्रॉपर होना चाहिए। वेयर डू यू गो फॉर ए पिकनिक रिसेंटली, रिसेंटली आप पिकनिक के लिए कहाँ पे गए थे, तो कोई नाम तो आपको बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताना है। लेकिन रुक जाइए, अगला क्वेश्चन हमें इसका आंसर जवाब देने के पहले अगले क्वेश्चन को रीड करना है। व्हाई डू यू सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक पिकनिक स्पॉट, अब आपने उसको जो जिस पिकनिक स्पॉट पे गए थे उसको ही क्यों सेलेक्ट किए, ये बताना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, कोई ऐसा ना वाटर पार्क का नाम लिखिए, वाटर पार्क का नाम लिखेंगे तो वाटर पार्क का नाम लिखेंगे तो वहां पे क्या है, वाटर पार्क की वजह से हम वहां पे गए थे। और इसका आंसर भी आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना है आंसर भी लिखना, क्वेश्चन भी लिखना है आंसर, मतलब आपको चारों सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन यहाँ पे B1 का B डालिएगा, B के बाद A B A B, इस तरह आपको पूरा लिखना है। ओके, और इसमें सेंटेंस का आंसर आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा, और यह कंप्लीट अगर आप सही करते हैं तो आपको यहाँ पे भी 1 मार्क्स मिलता है।
ओके 2 मार्क्स आपको मिल गया। अब नीचे वाला जो लास्ट वाला रहेगा वो किसी चीज के इंपॉर्टेंस के बारे में, जैसे यहाँ पे गेम्स के इंपॉर्टेंट है तो गेम्स के इंपॉर्टेंट के बारे में आपका फ्रेंड आप बातें कर रहे हैं। ओके आपको अपना नाम नहीं लिखना है, राम श्याम लिख दीजिए, अजय विजय लिख दीजिए, रीता सीता लिख दीजिए, कुछ भी ऐसा नाम लिखिए जो आपके लिए नाम नहीं होना चाहिए। ओके तो 2 नाम लिखना है, अजय विजय, अजय विजय, अजय विजय। इसका भी आंसर आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आपको और भी ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में यहाँ पे अगर ये पूरी तरह आपका राइट हुआ तो यहाँ पे आपको कितना मिलता है, 3 मार्क्स। तो कितना हो गया टोटल आपका, 5 मार्क्स यहाँ पे आपको पूरी तरह मिल जाएगा। और बहुत इजी है, 5 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स आ रहा है तो आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही ना, इतना तो सोचिए। अगर निगेटिव भी जाते हैं कि नहीं मिलेगा तो 1 मार्क्स तो मुझे पक्का विश्वास है कि मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह और भी देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यह भी सारे क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप लोग जो प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी की तरह सारे क्वेश्चन आपको हमारी साइट में मिलेंगे, साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और ये जो डायलॉग राइटिंग है उसका भी लिंक है, आपको वहाँ से डायरेक्टली आप डायलॉग राइटिंग में विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ये पहला वाला क्या रहेगा, आपको अरेंज करना है, दूसरा आपको कंप्लीट करना है, तीसरा आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मोबाइल इन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में मोबाइल का बहुत बड़ा महत्व है। आप सबको पता है कि अगर मोबाइल ना होता तो आपके जो ऑनलाइन क्लासेस थे वो अटेंड हो पाते क्या, नहीं। कहाँ पीसी आपके पास, कहाँ लैपटॉप है, लेकिन मोबाइल की वजह से आपने सारे के सारे एजुकेशन ऑनलाइन मतलब अटेंड किए। तो इसका क्या महत्व है, इसका आपको अपने फ्रेंड के साथ में क्या करना है, डिस्कस करना है। और इसके बारे में भी कितना आपको सेंटेंस बनाना है, 3, टोटल 6 सेंटेंस बनाना है। 3 सेंटेंस आपके दोस्त का होगा, 3 आपका होगा। तो इसका आंसर भी आपको हमारी साइट में मिलेगा। और तीसरा हमने क्वेश्चन लिया है, ये भी आपको आसानी से आ जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है, उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है। ओके और दूसरा वाला दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, इस डायलॉग को भी कंप्लीट करना है। एंड लास्ट वाला इंपॉर्टेंस ऑफ दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के क्या महत्व होते हैं, यह आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। एंड यू हैव टू मेक दी 4, टोटल 6 सेंटेंस, आपको 6 सेंटेंस बनाने हैं। 4 आपके दोस्त का होगा, 4 आपका होगा। ओके तो मुझे उम्मीद है आपको डायलॉग राइटिंग समझ में आ गया होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारी साइट पर विजिट करिए, जहाँ पे सारे के सारे डायलॉग के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और ढेर सारे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके चलिए तो चलते आगे बढ़ते हैं। और जिन हाँ हमारी ये साइट है जिसका नाम है theenglishgrammar.com, इस साइट को विजिट करिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे ग्रामर्स मिल जाएंगे, साथ साथ में क्विज भी मिल जाएगी। क्विज प्ले करके आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये सारे हमारे ऐप्स हैं जो कि आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे, mahesh.com पे जाइए, सारे के सारे ऐप्स की लिंक वहां से मिल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके और जिन्होंने नेटवर्किंग साइट में फॉलो नहीं किया है तो यहाँ भी फॉलो कर लीजिए, FB, इंस्टा एंड ट्विटर एंड लिंक्डइन। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टोरी राइटिंग। ओके चलिए बाय बाय।